देश भर में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं गुजरात के डांग जिले की बात की जाए तो पिछले 2-3 वर्षों से किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ फिलहाल 12,000 से ज्यादा किसान करीब 57,000 हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें अब तक 27,000 हेक्टेयर में बुआई हो गई है और इसी महीने के अंत तक 30,000 हेक्टेयर में बुआई हो जाएगी। वहीं बारिश के बाद से किसानों में खुशी और उत्साह का माहौल है। डांग जिला को प्राकृतिक घोषित किया गया है तो उसकी उस तरफ देखिए तो हम आत्मा प्रोजेक्ट तरफ से हर एक किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 10 ग्राम पंचायत के बीच एक क्लस्टर बना हुआ है और इसी क्लस्टर में हमारा एक फार्मर मास्टर ट्रेनर और टेक्निकल मास्टर ट्रेनर जाके पूरे गांव में जाके ट्रेनिंग दी जाते हैं, उसमें थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सिखाए जाते हैं कैसे प्राकृतिक खेती किया जाता है। और हमारे अभी ये जो ईयर है वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, तो उनके हिसाब से हमारे खेतीबाड़ी विभाग जो है उन्होंने सरकार की तरफ से 2,500 रागी की मिनी किट्स दी है फार्मर्स को। ये जो प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें किसानों को कोई भी इनपुट्स या खाद बाहर से लाना नहीं पड़ता और खुद से देसी काव के यूरिन और डंग से बनाए गौमूत्र से बना जाता है, तो उसकी वजह से फार्मर्स का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा, तो अल्टीमेटली फार्मर्स को फायदा होगा और वो जो कंपनी से फर्टिलाइजर पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से फार्मर को ये एक। और डांग जिला की जो सोइल है उसमें अभी भी ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है और ये जो प्राकृतिक खेती करेंगे उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, तो उससे धीरे धीरे दो तीन साल के बाद उसमें कोई भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दाम अभी तक डांग जिला के जो सभी फार्मर्स हैं अभी तक 13,000 फार्मर्स का ऑर्गेनिक तरह सर्टिफिकेशन के लिए कामगिरी चालू की है और उनको C1 सर्टिफिकेट मिल गया है। उसके बाद धीरे धीरे सभी डांग जिला के सभी जो फार्मर्स हैं उनको ऑर्गेनिक में सर्टिफाइड हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक की तरह जब बिकेगा तो उनको बिक्री होगी, तभी फार्मर्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी भी जो यहाँ की देसी वेराइटी है राइस की, तो अभी मार्केट में उसका जो रेट है वो 20 रुपया है, लेकिन फार्मर्स के जो देसी वेराइटी राइस की लगाते हैं तो उसमें उनको 30 रुपया से 35 रुपया तक पर केजी मिलता है रोड पेड़ी का।